मोरम क्या है आपका? मोरम जो है ये वर्ड ड्राइव करा गया है फ्रॉम, मोरम इज द वर्ड ड्राइव फ्रॉम द तमिल लैंग्वेज। ठीक है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि तमिल लैंग्वेज का ये वर्ड है और ये पाउडर रॉक जिसका मतलब होता है पाउडर रॉक, ठीक है, विच मीन्स पाउडर रॉक। ठीक है, ये तमिल क्यों बोला गया? अभी जब मैं आपको कंकर बताऊंगा तो कंकर जो है वो हिंदी भाषा से लिया गया है, मतलब जो वर्ड जिस भाषा से लिया जाता है वो वहां से बता दिया जाता है कि इससे आपको सेंस लग जाए कि ये इंडियन हिंदी भाषा से है या ग्रीक। ज्यादातर वर्ड जो होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? ग्रीक, ठीक है, और लैटिन। तो मोरम जो है ड्राइव करा तमिल लैंग्वेज से और जिसका मतलब है पाउडर रॉक। ठीक है, और मोरम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉइल, ये एक सॉइल का टाइप ही है। ठीक है, और मोस्टली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेस, मोरम को अधिकतर जो है कंस्ट्रक्शन पर्पजेस के लिए उपयोग किया जाता है। और जनरली इट इज डीप ब्राउन और रेड इन कलर। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो गहरा ब्राउन भूरा रंग का या फिर रेड कलर की दिखती है, जैसा ऊपर आप पिक्चर में देखते पा रहे हो। और मोरम इज यूज इन प्लिंथ फिलिंग, क्योंकि मोरम जो होती है ये सॉफ्ट एग्रीगेट होता है, मतलब ज्यादा लोड नहीं सह सकती है, पाउडर रॉक हो गई है, तो इसका जो है सिर्फ भराई में आप काम करते हो। जो हम क्या करते हैं, जब भी एक होता है आपका सब स्ट्रक्चर, एक होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर, तो प्लिंथ लेवल के नीचे नीचे आपका सब स्ट्रक्चर होता है और प्लिंथ लेवल के ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है। और आपका प्लिंथ लेवल और डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी दोनों का लेवल सेम होता है, क्योंकि प्लिंथ के ऊपर ही आप जो है डैम प्रूफ कोर्स डालते हो, फिटनेस कोर्स डालते हो या कॉन्क्रीट की डालते हो, ताकि जो है नीचे जमीन का पानी जो है ऊपर वाले सुपर स्ट्रक्चर में वो सीप होकर ऊपर ना, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर ना जाए। तो कंक्रीट जो होती है वो इम्परवियस होती है वाटर के लिए, तो वो जो है आप जहाँ पे आपका नीचे से ब्रिक वॉल आ रही होती है, नॉर्मल जो मेसनरी घर बनते हैं वहाँ पे आप जो है डैम प्रूफ कोटिंग करते हो डीपीसी कंक्रीट की। 25 mm थिक होती है वो और विड्थ ऑफ वॉल के अलॉन्ग होती है। अगर एक वन फुल ब्रिक वॉल है उसकी जो थिकनेस होती है 230 mm के अराउंड होती है। ठीक है, चलो फिलहाल जो रोड मोरम का प्रयोग है तो उस प्लिंथ लेवल तक फिल करने के लिए, ताकि आप उसके ऊपर फिर फ्लोर बना सको, और रोड पेमेंट सड़कों में यूज कर लेते हैं, और बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेज जो ट्रेंच बनाई होती है, सुरंग मोरम बनाई होती है तो उसको दोबारा से बैकफिल करने के लिए, और फुटिंग पिट्स जो फुटपाथ के आसपास जो फुटिंग पिट्स होते हैं पिट बनाने के लिए, जहाँ पे आप पैर रख के उतरोगे वहाँ पे उसे बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस पर रेगुलर लोड ज्यादा नहीं आता, लोगों के पैरों के उतना ज्यादा वेट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से दिखती है। तो बात हो गई मोरम की, तो बात करते हैं कंकर की। कंकर जो होता है आपका, ये वैसे पिक्चर थोड़ी दूर से है, विकिपीडिया पे इतनी दूर से पिक्चर थी तो इसको पास से नहीं देख पा रहे, तो मतलब इस कलर इस तरह की कंकर दिखते हैं। ये दोनों ही पिक्चर जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया की है, वहाँ पे विकिपीडिया पे इनका रेफरेंस लिखा हुआ था। लेकिन फिलहाल अब क्या है कि कंकर जो है, कंकर को हम कॉनकर भी कहते हैं, इज अ सेडिमेंटोलॉजिकल टर्म। ठीक है, मतलब आपको बताया था रॉक्स तीन तरह की होती है, वो आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो कंकर जो है ये सेडिमेंट्री, इसका जो ओरिजिन है ये एक सेडिमेंटेशन की तो प्रोसेस से बनता है, और सेडिमेंट्री रॉक इसका ओरिजिन है। ठीक है, तो ये और इस शब्द को जो है डायरेक्ट करा गया हिंदी भाषा से, और ओकेजनली जो है अप्लाइड करा जाता है इसको इंडिया में एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, टू डिट्रिटल और रेसिडुअल रोड। ठीक है, मतलब कोई चीज जब किसी चीज पे उसका डिट्रिफिकेशन होता है, लाइक आपने सुना होगा जो फल और पेड़ पौधे जब सब्जियां होती हैं उनका डिके होता है डिट्रिटस, तो डिके होने के बाद जो बच जाता है उसे रेसिडुअल या डिट्रिटस बोलते हैं। ठीक है, तो जो चीजें सड़ गल जाती है ना, वो जो चीज होती है, तो आप एक डिट्रिटस और रेसिडुअल जो रोड जिसके ऊपर आपने कभी लोड लगा हो, रोलर चले हो, गाड़ियां चली हो, जो भी है, उस इन दोनों टर्म्स को दिखाने के लिए अमेरिका और इंडिया में कभी कभी जो है हम इन दोनों चीजों को या तो रेसिडुअल रोड बोलना हो या डिजिटल बोलना हो, तो उसकी जगह हम बोल देते हैं कंकर। ठीक है, ऑफन ये जो होता क्या है, नॉडुलर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं फॉर्म्ड इन सॉइल ऑफ सेमी एरिड रीजन। देखो, सो इट फॉर्म्स सीट्स, और ये कंकर जो है क्या फॉर्म करता है, सीट्स अक्रॉस एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल आपको बताया था कि जो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, मतलब जो साउथ इंडिया जो रीजन है वहाँ पे जो उसे बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेन्स या पेनिनसुलर रीजन। और जो अपना ये नॉर्थ इंडिया जो है, यहाँ दिल्ली उत्तर प्रदेश जो है, ये जो है एलुवियल प्लेन्स में आता है, मतलब सॉइल के ये रीजन में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये कंकर कहाँ मिलेगा, ज्यादातर आपका एलुवियल प्लेन्स में, और मोरम कहाँ मिलेगी आपकी,
पेनिनसुलर प्लेन्स में, तभी क्योंकि ये साउथ इंडिया में मिलता है तो इसको बोला गया ज्यादातर, इसको इसका नाम दिया गया तमिल लैंग्वेज में। और ये नॉर्थ इंडिया में मिल रहा है कंकर, तो कंकर जो है ज्यादातर नॉर्थ इंडियन जो है हिंदी यूज करते हैं, तो हिंदी में इसका नाम, हिंदी भाषा से इसका नाम दे दिया गया आपका कंकर। तो काफी चीजें जो है, ये जो आपके जो कंकर हैं वो हो सकता है कि कंटिन्यूटी में बहुत लंबे एरियाज में मिल जाए आपको इन द फॉर्म ऑफ सी, ठीक है, और या फिर जो है ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एज ए नर्मदा कंकर भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस सी के फॉर्म की फोटो है और ये डिसकंटिन्यूटी की फोटो है। देन आपका आता है लैटेराइट। लैटेराइट जो है इसका ग्रेनाइट से मिलता जुलता, इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है ग्रेनाइट से इसे कंपेयर करे जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की जो है, ठीक है। तो लैटेराइट जो है दिखने में आपका जो है, ये भी लैटेराइट की फोटो है, ये भी लैटेराइट की फोटो है, ये भी लैटेराइट की फोटो है, और यहाँ ये लैटेराइट है, ये भी लैटेराइट है, सारे लैटेराइट्स के फोटो, मतलब लैटेराइट जो है एक मल्टी कलर आपका एक तरह से एग्रीगेट हो गया, इसके कई सारे कलर्स होंगे, और जिसकी जो प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रेनाइट जो है आपका से मिलता है। अब ग्रेनाइट में कंपैरिजन करा गया है, जैसे यहाँ पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है लैटेराइट एग्रीगेट्स और ग्रेनाइट एग्रीगेट्स की, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है लैटेराइट का होता है वो 1.07 और ग्रेनाइट का होता है 0.92%। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इग्नियो होती है, इग्नियस रॉक का ये जो है ये एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, तो इग्नियस रॉक जो होती है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 1-3%, इससे ज्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती, अगर उससे ज्यादा करती है तो फिर रॉक आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, वो इग्नियस रॉक का की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। और जो सेडिमेंट्री रॉक जो है पानी के अंदर ही बनी हुई होती है तो वो 10% तक पानी को अब्सॉर्ब कर सकती है, तो उसकी मजबूती इग्नियस रॉक के मुकाबले कम होती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अगर लैटेराइट एग्रीगेट्स का कंपैरिजन ग्रेनाइट से हो रहा है और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 1.07% है, इसका मतलब कि ये इग्नियस रॉक, इसका ओरिजिन क्या होगा, जैसे हमने बोला कंकर एजेस का ओरिजिन क्या है, सीजमोलॉजिकल ओरिजिन है, ठीक है, सेडिमेंट्री और लॉजिकल, मतलब सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, और आपको यहाँ पर जो गया कि आपका लैटेराइट जो है वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है, और उसका कंपैरिजन भी हम, तो उसकी प्रॉपर्टीज इग्नियस रॉक से मिलती है, तो हमें इग्नियस रॉक से कंपेयर भी कर रहे हैं, जो कि इसका एक एग्जांपल है ग्रेनाइट एग्रीगेट, ठीक है। फ्लेकीनेस इंडेक्स, इलॉन्गेशन इंडेक्स, ठीक है, आप जो है पिछले सेमेस्टर पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यूज दे रखी है, ज्यादा जितनी ज्यादा होगी वो उतना खराब है, तो वो कम से कम होनी चाहिए। तो देखो लैटेराइट ज्यादा है और ग्रेनाइट कम है, ग्रेनाइट को अच्छा स्टोन माना जाता है और लैटेराइट को सॉफ्ट स्टोन की कैटेगरी में आता है, इसका 8.5 है, इसका 8 है, ठीक है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा होनी चाहिए, जितना उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है उसका मतलब डेंसिटी उसकी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ वॉइड्स और पोर्स कम है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.54 है और ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.69 है।